हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावी यानी कि आहारी का दिवालिया होना, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि दो पर्सन है, जैसा पहले के वीडियोज में आपको बता चुके, एक ए है एक बी है। ये हमारा क्या है, ड्रावर है और बी क्या है, ड्रावी है। ठीक, अब क्या हुआ कि ए ने बी पर बिल लिखा है, तो ए के बुक में हम लोग बिल लिखने की और बी के बुक में बिल पर स्वीकृति देने की एंट्री कर दिया। मान लीजिए ये जो बिल है वो 3 मंथ्स का लिखा गया था। ओके, अब क्या हुआ कि जो ड्रावी है यानी कि जो हमारा बी है वो ए के पास आता है, चाहे वो 3 महीने बाद आए या फिर 3 महीने से कुछ टाइम पहले ही आ जाए। वो आता है ए के पास और कहता है कि मैं पेमेंट करने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, मतलब मैं पेमेंट नहीं कर सकता। या तो इसमें भी दो कंडीशंस हो सकती है, या तो वो पूरा पेमेंट नहीं कर सकता है या तो वो कुछ हिस्सा बिल का, कुछ हिस्से का पेमेंट नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए बिल हमारा जो था वो 3,000 का था, ठीक है, तो बी आया, वो बोल रहा है कि हम ये पूरे के पूरे 3,000 का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मेरा दिवाला निकल गया है या फिर मैं दिवालिया हो चुका हूँ, या फिर वो ये कहता है कि हम इसमें से सिर्फ 1,000 का पेमेंट कर पाएंगे, बाकी 2,000 हम नहीं दे पाएंगे। तो इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है, ड्रावर के बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन को ही हम ड्रावी का दिवालिया होना कहते हैं। यानी कि जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि अधिकतर हम लोग यूज़ करते हैं ना कि दिवाली पर हम लोग बोलते हैं अरे यार मेरा तो दिवाला ही निकल गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने इतना खर्चा कर दिया कि अब हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा दिवाला निकल गया। तो सेम कंडीशन बिल ऑफ एक्सचेंज में भी यूज़ होती है कि ड्रावी के पास अब इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो ड्रावर का पूरा या फिर थोड़ा भी भुगतान कर पाए, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं कि ड्रावी का यानी कि आहारी का दिवाला निकल गया, यानी कि ड्रावी जो है हमारा दिवालिया हो गया। तो ये तो हमारा था कि इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रावी होता क्या है। अब आइए हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या होती है। तो जब ड्रावी का जो दिवालिया निकलता है तो उस कंडीशन में सबसे पहले हमारा बिल डिसऑनर होता है। तो सबसे पहले जो होती है, नॉर्मल सारी एंट्री करने के बाद हम डे तिथि पे या फिर उससे पहले जो भी तिथि हो, हम सबसे पहले डिसऑनर होने की एंट्री करेंगे। और ये दोनों ही डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है ड्रावर और ड्रावी के बुक में कंडीशन के हिसाब से, वो हम आपको पहले के वीडियोज़ में बता चुके हैं। तो आप उस कंडीशन के हिसाब से दोनों के बुक में एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद जो दूसरी एंट्री होती है वो होती है दिवालिया होने की, यानी कि इंसॉल्वेंसी की। अब इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या होगी, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला कि आपका पूरा का पैसा नहीं मिलेगा, और दूसरा कि आपके बिल का कुछ हिस्सा जो है वो ड्रावी दे सकता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में आइए देखते हैं क्या एंट्री हो सकती है। जैसा कि सबसे पहला है कि पूरी रकम अगर नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में ड्रावर के बुक में क्या एंट्री होगी, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, पूरी रकम नहीं मिल रही है तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या हुआ, हानि हो गया। तो हानि हो गया तो इस हानि को हम यहाँ पर बैड डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब जो भी हमारा ड्रावी है उसका नाम हम लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ड्रावी बी था तो हम यहाँ पर बी का नाम लिख देंगे। तो ये हमारी इंसॉल्वेंसी की एंट्री हो जाएगी जब अगर हमें पूरी की पूरी रकम नहीं मिल रही है। और ड्रावी की बुक में हम जैसे इसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे हम ड्रावर को डेबिट कर देंगे, ड्रावर हमारा ए है। और टू, यहाँ पर ड्रावी जो है वो अपने में बैड डेब्ट्स ना दिखा करके डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करता है, क्रेडिट करता है डेफिशिएंसी अकाउंट। ओके, तो ये पूरी रकम ना मिलने पे ये एंट्री जो है वो ड्रावर और ड्रावी अपनी बुक में करते हैं। और दूसरा है कुछ रकम मिलने पे, तो इसमें अगर हमें कुछ रकम मिल रही है तो यहाँ पे जो रकम मिल रही है उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और जो रकम नहीं मिल रही है उसके लिए हम बैड डेब्ट्स को डेबिट कर देंगे। और टू हमारा ड्रावी हो जाएगा, यानी कि बी, ये कौन है, ड्रावी है। ठीक, तो बी को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा एंट्री जगह, इसमें हम कैश अकाउंट में, जैसे हमारा 4,000 का बिल था तो अगर हमें मान लीजिए 1,000 मिल रहा है तो कैश अकाउंट में हम 1,000 दिखाएंगे, बैड डेब्ट्स में जो हमारा 3,000 नहीं मिल रहा उसे दिखाएंगे, और टोटल जो 4,000 है वो हम बी के सामने दिखा देंगे। सेम इसी की अपोजिट एंट्री जो होगी वो ड्रावी अपने बुक में करेगा, ड्रावी क्या करेगा, ए यानी कि ड्रावर को क्या करेगा, डेबिट करेगा। और फिर टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो कुछ रकम दे रहा है, और जो रकम नहीं दे रहा उसके लिए डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये भी सेम करेगा, अगर वो 1,000 दे रहा है तो कैश अकाउंट के सामने 1,000 दिखाएगा, जो नहीं दे रहा 3,000 उसे डेफिशिएंसी अकाउंट के सामने दिखाएगा। टोटल जो 4,000 है वो ए यानी कि ड्राइवर के सामने, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। ड्राइवर तो अपनी बुक, ड्रावी तो अपनी बुक में खुद को बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हो गया, डेब्ट्स का मतलब ऋण, और बैड मतलब बुरा, ऐसा ऋण जो कि गलत है, नहीं बुरा था, मतलब कि नहीं मिल रहा है। तो अब अपने आप को तो कोई बैड डेब्ट्स तो कहेगा नहीं, तो इसलिए वो अपनी बुक में, ड्रावी की बुक में डेफिशिएंसी यानी कि कमी को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों ही कंडीशन में क्या होती है, इंसॉल्वेंसी की एंट्री होती है। तो इसी के साथ आज का हमारे वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोग को इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।